नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल बिहार हेल्प में और मैं हूं अजीत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरा रहा है उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप सभी लोगों का काफी सवाल आता था कमेंट में कि आखिर कितना पैसा मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों बिहार सरकार द्वारा एक सूची जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 11th में पढ़ रहे छात्र को या 12th में पढ़ रहे छात्र को कितना मिलेगा, या ग्रेजुएशन में आप है पार्ट वन पार्ट टू में तो कितना मिलेगा, या दोस्तों पीजी कर रहे हैं IIT कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों तमाम कोर्स का जो है अलग अलग यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाला है और सबका दोस्तों आपको एक लिस्ट जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कौन से छात्र को कितना पैसा मिलेगा, किसी को 5000 तो किसी को 15000। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगा कि आपको भी कितना मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो है तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण जो है हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और 2 लाख सब्सक्राइबर कम नहीं होता है हमारे लिए, जो है यही बहुत बड़ी चीज है जो कि आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो ऐसे ही दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो है ये पेपर कटिंग है जो कि दैनिक भास्कर का है, जिसमें आपको सारा डिटेल आज शेयर किया गया है कितना आवेदन वगैरह आया है। तो चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं किसको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अधिकतम पैसा जो है 15000 तक ही दिए जाने वाला है, वो भी बड़े बड़े कोर्स में। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि 10+2 तक, यानी कि दोस्तों 11th और 12th के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं, चाहे दोस्तों यहाँ पे ISC हो चाहे जो भी होता है ICOM हो चाहे IA हो, कोई भी कोर्स अगर आप 11th 12th के लिए अप्लाई किए हैं तो छात्र को जो है 2000 रुपया दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप एक कोर्स के लिए अप्लाई किए हुए तो 2000 मिलेगा, दो कोर्स के लिए किए हैं तो 4000 मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 11th के लिए अलग किए हैं, 12th के लिए अलग हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग पैसा मिलने वाला है। वही दोस्तों आगे हम बात कर ले स्नातक के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आप अप्लाई किए हैं पार्ट वन पार्ट टू के लिए, तो आपको यहाँ पे एक कोर्स का 5000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप दोस्तों पार्ट वन पार्ट टू के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 10000 मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर आप 12th के लिए किए हैं और साथ में ग्रेजुएशन पार्ट वन के लिए भी किए हैं तो यहाँ पे 2000+5000 7000 हो जाता है। वही दोस्तों बात कर ले ITI और दोस्तों यहाँ पे PG के लिए भी 5000 रुपया ही रखा गया है। यानी कि दोस्तों ग्रेजुएशन हो चाहे ITI हो या दोस्तों आपको PG हो, तीनों आपको जो है 5000 रुपया ही रखा गया है। आगे यहाँ पे बात कर ले दोस्तों जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग और भी दोस्तों तकनीकी जो कोर्स आता है, यानी कि जो भी इंजीनियरिंग के बाद और भी बड़ा बड़ा जो कोर्स आता है उसके लिए यहाँ पे जो है 15000 रुपया दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी छात्र बड़े लेवल का कोर्स करते हैं उनको 15000 मिलेगा। और बाकी बात दोस्तों यहाँ पे आप समझ ही गए कि आपको 12th तक 2000 है और 12th के बाद ग्रेजुएशन ITI PG इसके लिए 5000 रुपया है। तो आप जितना बार कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप 2 साल के कोर्स अलग अलग 2 बार अप्लाई किए तो दोनों का अलग अलग पैसा मिलेगा। तो यही थी जानकारी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।